लाइक नाउ दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2023 यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि हमारा जनरल एग्जामिनेशन है। अब यहाँ पे हम अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ये आपका 8 है, ओके okay? ये 7 गलत है, 8 होगा। तो फ्रेंड्स आइए फिर हम यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने सेशन की ओर। और यहाँ पे ये एग्जामिनेशन हम जो कि हमारा चैनल है, पहले तो वीडियो पूरी वॉच करनी है, अगर बेस्ट लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज नो, ओके ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो टारगेट है सीटेट दिसंबर 2023। आइए फर्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन अपना देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट है कि भूमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच में भंडारित भूमजल को कहते हैं भूमिगत जल, जलभृत, द्विस्थित जल या फिर इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। भूमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच में जो भंडारित भूमजल होता है उसे यहाँ पे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, कहते हैं हम जलभृत। जो भूमजल स्तर है ना, इसके नीचे कठोर चट्टान की परत होती है तो इनके बीच में भंडारित भूमजल होता है उसे कहते हैं जलभृत। एक्चुअल में भूजल ये मिट्टी के स्थानों में जमीन के नीचे पाए जाने वाला पानी होता है, जो कि पृथ्वी की पॉपर्टी आदि में जो दरार हुई रहती है ना, फिर उसके जो दरार सी होती है, दरार के अंदर जो पानी सा होता है ना, वो यही होता है। और मिट्टी में भूजल की उपस्थिति पादपों को पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसे लेने में सक्षम बनाती है, और ये एक स्वस्थ मिट्टी को भी इंगित करता है। जब जैसा आपने राजस्थान में देखा है ना, पानी बहुत कम है तो वहाँ पे पौधे जो होते हैं वो नीचे तक चले जाते हैं, गहराई तक, फिर वो ऐसे ही इस तरह का ही यहाँ पे जो चट्टानों की परतों के नीचे, जो पृथ्वी के नीचे यहाँ पे भंडारित भूमजल होता है ना, वो उसको ही यहाँ पे ग्रहण करते हैं, ओके। एक्चुअल में जब बारिश का पानी होता है या फिर नदी और तालाब या फिर स्रोतों से पानी मिट्टी के माध्यम से रिसता है और ये खाली स्थानों पर ज़मीन के नीचे गहरी दरारें भरता रहता है और यहाँ पे ये पानी जमा हो जाता है और ज़मीन में पानी रिसने की प्रक्रिया को हम अंतस्पर्धन भी कहते हैं और इस प्रक्रिया से भूजल पुनः भर जाता है और फिर ये एक यहाँ पे जो है भूजल को जल स्तर के नीचे एक कठोर चट्टान की परत के बीच में संग्रहित कर देता है, इकट्ठा कर देता है, जो कि ये जलभृत के नाम से आपका यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। चलिए, जो हम ये अपने खेतों में ट्यूबवेल वगैरह है ना, ये हैंडपम्प वगैरह लगा के रखते हैं, तो ये जो नीचे से पानी आता है ये वही होता है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है कि क्या रीज़न है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है। समुद्र नदी से अधिक चौड़ा होता है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल का घनत्व से कम होता है, समुद्र नदी से अधिक गहरा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है, तो जो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं ना ये गलत हैं। एक्चुअल में समुद्री जल में कई घुले हुए लवण होते हैं जो कि समुद्री जल में मीठे पानी की तुलना में कहीं अधिक घनत्व होता है ना। तो यहाँ पे बोला है कि समुद्र नदी से अधिक चौड़ा होता है, नहीं कम तो होता ही नहीं, घनत्व तो यहाँ पे डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है ना, तो ये यहाँ पे इनमें से कोई भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आइए फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रिया सम्मिलित हैं, इसमें सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अवक्षेपण। संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण। अवक्षेपण, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप देखते रहिए। यहाँ पे होगा वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और अवक्षेपण, है ना। ये जो होता है आपके आपके यहाँ पे जल चक्र पृथ्वी के भीतर या फिर वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है ना, कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, तो पहले वाष्पीकरण, फिर
फिर वाष्पोत्सर्जन, फिर संघनन, फिर अवक्षेपण। पता नहीं क्या हो रहा है आज इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा ही यहाँ पे लॉन्ग है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही है। गर्म हवा नीचे आती है, ठंडी हवा ऊपर उठती है। गर्म हवा ऊपर उठती है जबकि ठंडी हवा नीचे आती है। ऑप्शंस दे रखे हैं, केवल ए बी सही है, बी सी सही है, बी डी सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको इनमें से वो कौन सा कथन है जो कि वायु के संबंध में सही है। तो इनमें से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही है। तो यहाँ पे जो है ए बी ये भी नहीं होगा, बी सी ये भी नहीं होगा, बी डी है ना ये भी नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आइए मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअल में वायु जो होता है एक गैस, जल वाष्प और धूल के कणों का एक अदृश्य मिश्रण होता है जो कि हमको दिखता नहीं, और ये पृथ्वी को घेरे हुए और वातावरण का निर्माण करता है। जबकि गर्म हवा नीचे आती है ना, तो इसका ये मतलब नहीं ठंडी हवा ऊपर जाती है, ये थोड़ा ही ना होता है, ऐसा नहीं होता है। तो गर्म करने पर हवा फैलती है और ठंडा होने पर संकुचित हो जाती है, न कि ऊपर नीचे जाती है। और हवा में जो भी मौजूद यहाँ पे विभिन्न गैस निरंतर प्रवाहित होती रहती है और ये पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाते हैं यही विभिन्न चक्रों के माध्यम से। तो जो गर्म हवा होती है वो इसलिए उठती है क्योंकि जब आप हवा को गर्म करते हैं तो वह फैलती है, तो ये ऊपर नहीं उठती, फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है ना। तो ये गर्म उठना या फिर यहाँ पे कि ये गर्म हवा ऊपर उठना, ठंडी हवा नीचे उठना है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे नहीं होता है। इस वजह से हमारा यहाँ पे ऑप्शंस होगा इनमें से कोई नहीं, ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट है, जबकि ये जो होती है फैल जाती है, यहाँ पे होना चाहिए था कि जो गर्म हवा होती है वो फैल जाती है ना, और जो ठंडी हवा होती है वो संकुचित हो जाती है, ये यहाँ पे होना चाहिए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, पवन खेत, जल विद्युत संयंत्र या फिर परमाणु ऊर्जा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है? वो करता है जल विद्युत संयंत्र। तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर्स बन जाएगा। और चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं आगे, और शायद ये क्वेश्चंस भी आपका रिपीटेड है, कोई नहीं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। इनमें से कौन सा उत्पाद दक्षिण अमेरिका द्वारा भारत में पेश किया गया? तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा उत्पाद है? आम है, मेथी है, कॉफ़ी या फिर मिर्च है? जो दक्षिण अमेरिका के द्वारा भारत में पेश किया गया था वो है यहाँ पे मिर्च, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्चुअल में मनुष्य जाने अनजाने बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। लोग बगीचे में उगने के लिए पौधों के बीज लाते हैं और उन्हें सुंदर या उपयोगी लगते हैं। बाद में इन पौधों के जो बीज होते हैं ये अन्य स्थानों पर फैल जाते हैं स्थानांतरण के माध्यम से, है ना। तो ऐसे ही मिर्च एक कैप्सिकम एनम और कैप्सिकम फ्रूटी कैन पौधे का एक फल होता है जो कि सोलानेसी के परिवार से रिलेटेड होता है, और शिमला मिर्च के जीनस से ही आता है जिससे टमाटर और आलू भी शामिल है। ओके तो यहाँ पे ये जो है आपका है उत्पाद मिर्च। तो आइए फिर यहाँ पे हम कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इधर तो उद्गम देश है, इधर सब्जी है। दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया है? टमाटर है, आलू है, हरी मिर्च है। यूरोप से गोभी है, मटर है। अफ्रीका में कॉफ़ी बीन और भिंडी और भिंड आई, ये आई है इंडिया में। और इंडिया में आम, संतरा, केला, मेथी, मेथी, पालक, बैंगन और मूली ये सब है। तो देखो जो दक्षिण अमेरिका में होता है ये यहाँ पे कौन कौन सी सब्जी भाई? टमाटर, आलू और हरी मिर्च। यूरोप में गोभी, मटर। अफ्रीका में कॉफ़ी बीन और भिंडी। इंडिया में आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैंगन और मूली ये सब है ना, इनका उत्पादन होता है। इनका और भी बहुत का होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, क्या आपने देखा है कि ठंड के मौसम में आप घर में छिपकली नहीं देख सकते? आपको क्या लगता है कि वे कहाँ चले गए हैं? उत्परिवर्तन के लिए, हाइबरनेशन के लिए या फिर ग्रीष्म निष्क्रियता के लिए? तो आपने देखा होगा ठंड के मौसम में आपके घर में छिपकली नहीं दिखती, तो आपको क्या लगता है कि वे कहाँ चली गई? वो है यहाँ पे हाइबरनेशन के लिए, बी ऑप्शन। अब ये क्या होता है? एक्चुअल में
जो यहाँ पे आपका ये होता है ना, सर्दी वाला जो मौसम होता है, ठंड वाला जो मौसम होता है ना, इसमें जो छिपकली होती है वो एक हाइबरनेशन के लिए यहाँ पे क्या होती है भाई, आपको बाहर नहीं निकलती है ये। ओके, तो ये इस तरह का यहाँ पे होता है। और जो आपका ये होता है ना, समशीतोष्ण देश होते हैं यहाँ पे रहने वाले जो जीव होते हैं, जैसे छिपकली, मेंढक, ये ठंड में तापमान से बचने के लिए सर्दियों में शीत निष्क्रियता से गुजरती है बहुत ज़्यादा। और उस तापमान से निपटने के लिए कुछ प्राणी के द्वारा जो गर्मी होती है इनके अकॉर्डिंग, इनकी एक्टिविटी से है ना, ये ग्रीष्म निशमता के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो ये आपकी दीवारें होती है ना, सारे को आपको घर में कहीं पे भी मिल जाती है। ओके, तो ये रीज़न होता है हाइबरनेशन के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पे जो है 1 मई, या फिर 7 मई, 5 जून, या फिर 14 नवंबर, सॉरी सॉरी 21 मई, या फिर 27 मई, या फिर 5 जून, या फिर 14 नवंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जानते हैं। एक्चुअल में इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के अकॉर्डिंग 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने और कार्यवाही करने के लिए इनकी स्टार्टिंग की थी। फिर यहीं पे देखें, इस प्रकार जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ये क्या होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, है ना। तो एक तरफ आपको डे दिए हुए हैं, एक तरफ कौन सा डे उस दिन को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है ना। वो सारे आपके यहाँ पे ऑप्शंस क्लियर हो गए। हमारे देश का संविधान ब्लैंक नेतृत्व में तैयार किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, या फिर मोहन करमचंद गांधी की? तो हमारे देश का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा है ना रेडी किया गया था। बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिखाती हूँ। एक्चुअल में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये भारतीय संविधान के जनक यहाँ पे पिता माने जाते हैं, और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश में महू में हुआ था, और उन्हें लोकप्रिय रूप से आधुनिक मनु के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1947 से 1951 तक भारत सरकार के पहले कानून मंत्री के रूप में भी कार्य किया है ना, इम्पोर्टेंट है। उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उन्हें 1919 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो 1990 में जो है बी आर अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, इम्पोर्टेंट है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम आपको देखते हैं, इनके क्या क्या उल्लेखनीय वर्ग थे है ना, अछूत, जाति का संघार, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, बुद्ध और उनके धम्म, चैत्य भूमि, बी आर अम्बेडकर का दाह संस्कार स्थल है। तो ये अछूत, जाति का संघार, पाकिस्तान का भारत का विभाजन, इन सभी पे इन्होंने एक बहुत ही बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है, जो कि आज यहाँ पे महिलाएं पढ़ने के लिए जो यहाँ पे प्रेरित होती है पढ़ने के लिए है ना स्कूल्स जा सकती है, तो वो इन्हीं की देन है। तो चैत्य भूमि, बी आर अम्बेडकर का जो दाह संस्कार हुआ था, इनके स्थल का नाम है चैत्य भूमि। ओके, तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन था। इनमें से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी अंत भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? 1982, 1983, या फिर 1989, 1919? ये होता 1982 में, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। 1982 में भारत में जो क्षेत्रीय कार्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है इनके माध्यम से सभी आदभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ। भारत सरकार सम्मेलन का एक पक्ष है, और भारत ने 1 फरवरी 1982 को इसके तहत हस्ताक्षर किए, है ना। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। रामसर सम्मेलन को आदभूमि के सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, और ये 1971 में यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया था और लागू हुआ था 1975 में। भारत में कुल 75 स्थल है। सबसे नया तो रामसर स्थल है, जो कि गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है।
और सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। फिर यहीं पे चिल्का झील उड़ीसा और केलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पे? तमिलनाडु में। कितने हैं? 14 भारतीय आदभूमि है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका आदभूमि क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर भारत की सबसे छोटी आदभूमि अगर पूछे तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका आदभूमि है। नेक्स्ट ब्लैंक प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम करना या समाप्त करना है वातन एरोसोल अवशोषण या फिर उपशमन। ये है उपशमन। रुको मिनट, यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है ना, ये उपशमन प्रदूषण की कोटिया तीव्रता को कम करना है फिर समाप्त करने में हेल्पफुल है। परितंत्र इकोलॉजी शब्द का गठन किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का सॉरी हैकल हम्बोल्ट टेंसले ओडम। परितंत्र यानी कि पारिस्थितिक तंत्र या टेंचले, सी ऑप्शन। एक्चुअली में सभी जीव जैसे कि पौधे जंतु सूक्ष्म जीव मानव है ना, ये सभी आपस में परस्पर अनुन क्रिया करते रहते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं है ना। और जो परितंत्र शब्द है इसका गठन टेंचले ने किया था, पारिस्थितिक तंत्र का शब्द है ना। और यहीं पर इस प्रकार टेंचले ने परितंत्र शब्द का गठन टेंचले ने किया। ये फिर से यहाँ पे बता रही हूँ, परितंत्र के घटक एक तो जैविक घटक या अजैविक घटक ही होते हैं ना। देखो जैविक घटक में आपके इसमें उत्पादक उपभोक्ता घटक होते हैं और सभी जो जीवित जीव होते हैं है ना जिनमें सांसें चलती रहती है वो जैविक होते हैं, जिनमें पौधे आपके जानवर है ना सूक्ष्म जीव ये होते हैं, और जो अजैविक घटक होते हैं वो आपके इसके अकॉर्डिंग आते हैं जो कि यहाँ पे हमारे ये अकार्बनिक घटक होते हैं प्रकृति की जो निर्जीव भौतिक और जो रासायनिक संरचना होते हैं ये अजैविक घटक होते हैं, जैसे कि पत्थर पानी ह्यूमिश वायु है ना, इनमें कोई जीवन तो नहीं है ना, तो ये अजैविक है। अच्छा जो पारिस्थिति के शब्द हैं ये किसने दिया? हैकेल ने। और ओडम को आधुनिक पारिस्थिति का जनक कहते हैं। अगर पूछे पारिस्थितिक तंत्र का टेंसले को, अगर पूछे पारिस्थितिकी का हैकेल को, अगर पूछे आधुनिक पारिस्थिति का जनक तो ओडम को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है? चुकंदर आलू अदरक गाजर हल्दी अदरक शकंदर मूली हल्दी गाजर चुकंदर मूली। इनसे कौन सा जड़ों का समूह है? तो गाजर चुकंदर मूली ये जो है जड़ों का समूह है। नेक्स्ट हम खाना खाते और पाचन क्रिया होती है तो पाचित भोजन से उपयोगी पदार्थ इनमें से किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? अमाशय की भित्ति द्वारा छोटी आंत की भित्ति द्वारा बड़ी आंत के द्वारा। फिर यहाँ जो भी हम खाना खाते हैं पाचन क्रिया होती है ये पचित भोजन से उपयोग पदार्थ इनमें से किसके द्वारा अवशोषित होता है? ये होता है छोटी आंत की भित्ति के द्वारा, बी ऑप्शन होगा। और ये पाचन जो होते हैं देखो यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं, ये बड़े अघुलनशील खाद्य अणुओं का छोटे पानी में घुलनशील खाद्य अणुओं में टूटना है ताकि उन्हें जलीय रक्त द्रव में अवशोषित किया जा सके। पाचन मुंह में चबाने के साथ में प्रारंभ होता है और छोटी आंत में जाके खत्म होता है। चबाते तो हम मुंह से हैं लेकिन ख़त्म कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ पाचन के साथ में संबंधित कुछ विभिन्न अंगों के यहाँ पे कार्य है, जैसे अमाशय। इसका क्या मतलब होता है? अमाशय यह भोजन को तब तक रखता है जब तक यह एंजाइमों के साथ मिश्रित होता है जो भोजन को टूटने योग्य बनाने की प्रक्रिया को जारी रखता है, और यह भोजन को पचाने वाले अम्ल और एंजाइम को भी स्रावित करता है। आइए छोटी आंत के बारे में जानते हैं ये क्या होता है। यहाँ भोजन का 90% पाचन अवशोषण होता है और अन्य 10% अमाशय और बड़ी आंत में होता है। 90% तो छोटी आंत में होता है पाचन और इसका अवशोषण, और फिर बाकी 10% का बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत की सतह का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों और खनिजों का अवशोषण करना होता है। छोटी आंत पाचन का सबसे परिश्रमी भाग है। ये जो है छोटी जो आते हैं पाचन का सबसे परिश्रमी भाग है, सबसे मेहनती भाग है। अब बढ़िया भाई पूरे खाने को पचाता है तो मेहनत तो कर ही रहा है। पानी और इलेक्ट्राइट का अवशोषण विटामिन का उत्पादन और अवशोषण बड़ी आंत के तीन मुख्य कार्य हैं। यहाँ पे अब यकृत के बारे में जानते हैं। यकृत का मुख्य कार्य पाचन तंत्र में छोटी आंत से अवशोषित पोषक तत्वों को संसाधित करना है। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ देखते हैं ये आपका है ना, तो ये दिया हुआ है इस तरीके से।
यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे स्टोमच, यहाँ पे स्मॉल छोटी हाथ, इधर बड़ी है ना, तो इस तरीके से दी हुई है ये। तो इनका ये वर्क होता है जो मैंने आपको ऊपर समझाया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत बेस्ट लगी होगी, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और बेस्ट लगी है, अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।